अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक टिक्स मैग्नेटिक टिक्स क्या होती है मैग्नेटिक टिक्स मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करती है टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन डिक्स ऑन अ मैग्नेटिक इज स्टोर इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स यानी मैग्नेटिक टिक्स में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म में होता है ट्रैक जो होते हैं वो सर्कल्स बनाते हैं और ईच ट्रैक जो होता है टिक्स पे वो डिवाइड हो जाता है सेक्टर्स पे पर हर जो सेक्टर होता है जिसने ये एक सेक्टर यूनिट निकाल के दिखाया हुआ है वो फाइव ट्वेल्व पाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है हार्ड डिस्क मोस्ट वाइडली यूज मैग्नेटिक डिस्क जो कि मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करती है हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क एक प्राइमरी स्टोरेज है जो कि हर लैपटॉप हर कंप्यूटर हर पर्सनल कंप्यूटर में होती है जो कि डाटा और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करती है इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं इसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर एट लीस्ट वन हार्ड डिस्क ड्राइव यानी हर एक में एक हार्ड ड्राइव लाजमी होती है सम लार्ज स्केल कंप्यूटर्स कंटेन हंड्रेड्स ऑफ हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ अप टू कपैसिटी एन टेराबाइट आर मोर यानी कुछ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क टाइप ऑफ मैग्नेटिक इट इज कॉल्ड फिक्स डिस्क बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द दिस्टम इट कॉन्ट्स ऑफ सेवरल सर्कुलर

राइट एंड रीड कर सकता है मेनी टाइम्स जब तक वो जाए ये हम पहले भी पा चुके हैं कि ए सेक्टर टिपिकली स्टोर अप टू फाइव ट्वेल्व बाइट ऑफ डाटा उसके बाद हम हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को कैसे मैयर कर सकते हैं सबसे पहले सीक टाइम सीक टाइम ये रिक्वायर्ड टाइम होता है रीट राइट टू रीच द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क स्पेंडल टाइम क्या होता है इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर परफॉर्मेंस इट इज द स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफर डाटा इट इज मैर इन रेवोल्यूशन पर मिनट लेटेंसी क्या होती है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर टू प्रिंग द डिजायर डाटा टू रीड राइट हेड इट इज इन मिली सेकंड इसको हम मिली सेकेंड में कर सकते हैं <coughs> अब हमारे पास एक्सटर्नल और रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी आ गई हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज अ स्प्रेड हार्ड डिस्क दैट इज कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट और फाइबर पोर्ट ऑन द सिस्टम यूनिट एडवांटेज इसका एक्सटर्नल का ये होता है इट कैन बी इंस्टॉल विदाउट ओपनिंग द सिस्टम यूनिट सम हार्ड डिस्क कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद सिस्टम यूनिट वायरलेसली यानी हम वायरलेसली के साथ भी उसको अटैच कर सकते हैं वायरलेसली का मतलब है कोई केबल की जरूरत नहीं होती हार्ड डिस्क टाइप ऑफ हार्ड डिस्क दैट कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव फ्राम अ ड्राइव इज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन एटल हार्ड डिस्क यानी इसकी अब वन टेरा पाइट तक ये हार्ड डिस्क आ चुकी हैं जिस तरह कि ये आप ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल हम इसको बाहर से लगा सकते हैं सिस्टम गैर ओपन करने की इसमें जरूरत नहीं होती इस तरह मैंटेर हार्ड डिस्क ये वेरी स्मॉल हार्ड डिस्क हैं

पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर यानी हम इसको इजीली है कंप्यूटर से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में कर सकते थे डाटा इसमें स्लोअ होता था कापी इसकी एग्जैक्ट स्पीड भी स्लो है और इसमें हम थोड़ा सा डाटा यूज कर सकते हैं और ये एक इंसपेंसिव स्टोरेज मीडिया है इसका जो साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज का वो थ्री एंड हाफ इंच होता है इसमें फ्लॉपी टिक्स में हम डाटा 1.44 पॉइंट तक सिर्फ स्टोर कर सकते हैं ये पीस ऑफ मेटल कवर्स रीटिंग एंड राइटिंग एरिया होता है इट्स को शटर कहते हैं जब ये को हम इंसर्ट कर देते हैं तो ये शटर ओपन हो जाता है और सरफेस ऑफ द डिस्क ये कर सकता है इसकी टेंसठ होती है नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसी के साथ खुदा हाफिज, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।